तो हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आ गया दोबारा फिर से इसी चैनल पे वापस। तो आज का प्लान ये है, अभी टाइम हो रहा है 1920। 1920 देखी किसी ने? 1920 इविल रिटर्न्स या 1920 नॉर्मल वाली मूवी। 1920 मूवी छोड़ो, टाइम 1920 हो रखा है। तो मेरी शिफ्ट है, स्टार्ट होगी वही 10 to 6 मॉर्निंग। अपडेट मुझे क्या देना था, वो अपडेट ये है, मैं जा रहा हूँ कल मॉर्निंग में लंदन घूमने। 4-5 दिन मेरे पास फ्री हैं क्योंकि मेरे सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, सारा सबमिशन डन, सेकंड सेम पूरा कंप्लीट, कुछ नहीं बचा सेकंड सेम में। तो अब मेरे पास ये टाइम है, इसको यूज़ करूँ। यहाँ रूम में नहीं तो बैठे ही रहूँगा, कुछ रूम का बैठे बैठे कुछ काम नहीं होगा। सबसे पहले पैकिंग से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से बस लूँगा। आज साइकिल का फिर से ऑप्शन नहीं बन रहा क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश होती है तो साइकिल, फिर मेरी साइकिल में मडगार्ड भी नहीं है ट्रॉल में। तो वो ज़्यादा टेंगनेस ना करते हुए सबसे पहले बैग पैक करता हूँ। मेरा प्लान है टोटल 3 दिन का, 3 दिन है, 4 दिन, 4 दिन, 3 नाइट्स, 6, 7, 8, हाँ 3 नाइट्स 4 डेज। की सेकेंड फेवरेट शर्ट और फिर सेम कलर की थर्ड फेवरेट शर्ट। एज यूजुअल कमेंट्स आएंगे कि सेम शर्ट, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, मुझे शर्ट पसंद है तो मैं पहनूंगा। लग नहीं रहा इस टाइम पे, इतनी गर्मी इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी एक रख लेता हूँ इन केस। एक ब्लैक शर्ट और रख लेता हूँ, क्या पता पार्टी में जाना पड़े, मोर देन इनफ। ये हो गया मेरा कंप्लीट बैग पैक, तो पैकिंग वगैरह सब हो गई है, बस शूज़ पहनने। शूज़ पहन के टोटल 10 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बाद बस आ जाएगी। मैं मॉर्निंग में आऊँगा और अपना बैग उठाऊँगा और चल दूँगा सीधा, ठीक है। वैसे तो मैं यूनी वाले बस स्टैंड से ही हमेशा बस लेता हूँ शाम को ही इस टाइम पे, लेकिन आज नहीं ले रहा हूँ वहाँ से, क्योंकि कल जब मैं बस में चढ़ा और वो बस यूनी के स्टैंड से निकलती कट है, वहाँ गिर गया मैं। स्टैंड गया मैं शाम को इस वाले स्टैंड पे आऊँगा, शाम को नहीं सॉरी सुबह, सुबह बस सुबह वापस आऊँगा जो शिफ्ट से। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स रेड होंगी तो ग्रीन हो जाएंगी हमारे लिए वॉकिंग के लिए, बाकी सबके लिए रेड हो जाएंगी और रुक जाएंगी, पीछे रुक गए शायद, तो क्रॉस कर सकते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे कोई लाइट है नहीं यार, लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करना पड़ता है। सब कुछ रेडी है, ऑल डन है, अपनी शिफ्ट करेंगे और मॉर्निंग में फिर यहीं से वापस आके चलेंगे सीधा लंदन। बीच में सोने का टाइम नहीं मिलेगा, ट्राई करूँगा, 3 घंटे की बस है, बस में सो जाऊँ जाके। तो ये रहा फार गॉसवर्क, तो 5 मिनट्स में आ रही है, 5 मिनट वेट करते हैं फिर चलते हैं बस में। शिफ्ट ओवर नाउ, टाइम अभी हो रखा है 6:28, एज यू कैन सी 6:20, दिख नहीं रहा होगा ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। शिफ्ट ओवर हो गई है और अभी टाइम हो रखा है 6:29। बस आज संडे है तो वही सेम लेट आएगी बस, ये रोज़ आ जाती है 6:04 पे, लेकिन आ जाएगी 7:12 पे। हम सोच रहे थे कि वो कर ले बोल्ट, जैसे उबर है शायद इंडिया में भी है बोल्ट आई थिंक, तो बोल्ट से यहाँ का अकोमोडेशन तक के, यहाँ से लेके अकोमोडेशन तक का बोल्ट से हो रहा है 8 पाउंड्स का, ये देखो, तो वर्थ इट नहीं है। बस में लगेंगे 2 पाउंड तो बस में ही जाएंगे, बोल्ट में नहीं जा रहे। अकोमोडेशन पहुंच के पहले ब्रेकफास्ट करूंगा, ब्रेकफास्ट करके बैग उठा के चल दूंगा और ट्राई करूंगा। आज सनी डे है, अच्छा लग रहा है, धूप निकलती है तो मैं पहुंच गया हूँ गॉसवर्ड गेट। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके बैग उठाऊंगा और चलूंगा, अब मैं भी देखूंगा तुम्हें भी दिखाऊंगा लंदन। तो हफ्ते ही सबसे पहले कॉफ़ी बना ली है, उतर ही गिर भी गई। अब शावर लेके मेरे पास टाइम है करेक्ट 51 घंटे का है,
इसको जब तक चार्जिंग पे लगा देता हूँ ये चार्ज हो जाएगा। पहले ही मॉप मारना पड़ेगा, लेकिन अब नहा धो के रेडी हो गया हूँ। करेक्ट 20 मिनट बाद है, जाने में 12-13 मिनट लगेंगे। करता हूँ फिर आगे रास्ते में चल के बात कर। 8:40 यहीं पे हो गए हैं और यहाँ से पूल मेडो तक के लगते हैं 15 मिनट्स। 8:42 तो टाइम तुमने देख लिया, मेरे पास करेक्ट 12 मिनट बचे हैं पहुँचने के लिए अकोमोडेशन से लेके और आगे जहाँ पे जाना है पूल मेडो बस स्टेशन पे, वहाँ तक के 15 मिनट लगते हैं। मैं कॉफ़ी पीता रह गया, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई नहीं देखते हैं। मतलब 8:55 पे निकलेगी पूल मेडो से, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भाई निकल ही जाएगी। तो फाइनली पहुँच ही गया भाग भाग के, अभी भी 6 मिनट बच गए। टिकट भी शो कर दिया, बैठ जा पहुंचा। बोलता हूँ रुक जा जरा, को बिना बताए हमारे साथ नहीं जा रहा है लंदन, अकेले जा रहा है ना। छोरी आई है झूठ बोल के लाया है ये झूठ बोल के जा रहा है। दोस्त आ रहे, कोई दोस्त नहीं आ रहा। तो गाइस हम बताते हैं असली बात क्या है।